हाय हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग? अभी सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सभी को पता है कि मस्त होंगे क्योंकि दुची मैम की क्लास का आप लोग वेट कर रहे थे। दुची मैम आ चुकी हैं तो फटाफट सभी लोग लाइव हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे सेशन को। और जितने लोग भी सेशन को ज्वाइन करेंगे सभी लोग शेयर करना ना भूलेंगे, और शेयर कर भी लेंगे तो उसमें से भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर कर रहे हैं मिलिट्री स्कूल की तैयारी या सैनिक स्कूल की तैयारी या फिर RMS की तैयारी, तो आपको अपने फेवरेट चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना है, नहीं भूलना है, जो कि सुपर 40 लाया है आपके लिए बेस्ट कंटेंट। सुपर 40 में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि GK GS हम ही लेके चल रहे हैं, आपकी अपनी रुचि मैम। तो उसमें हम लोग GK और साइंस की बात करें तो आपको अल्टरनेट क्लासेस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोगों ने प्रीवियस की क्लास को जो किया था वो एनिमल्स एंड ह्यूमंस बींग के बारे में जाना था, उनके रिलेशन के बारे में जाना था। आज के जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग साइंस के मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि है टेस्ट एंड डाइजेशन। तो गाइज आज का सेशन आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में आपको काफी मजा आने वाला है। और कैसे मजा आने वाला है, आपके सामने एक बच्चा है, आई होप कि आप लोगों के भी क्या आ रहे होंगे, मुंह में पानी आ रहा होगा। यस मैम, मैं तो को देख के तो मेरे को पानी आ रहा है। खैर अभी विंटर सीजन आ चुके हैं तो इतना पानी नहीं आना चाहिए, है ना, उसको कंट्रोल करना। चलो हम लोग पूरी क्लासेस को अपने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट क्या होता है, ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है टेस्ट एंड डाइजेशन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले हम किसी भी चीजों को टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो खट्टा हो, मीठा हो, नुकसान करे, कुछ भी करे, उसके बाद डाइजेशन होगा यार, है ना। और कैसे कैसे डाइजेशन होता है आओ देखते हैं। टेस्ट के लिए अगर आप यहां पे देखोगे तो द सेंसेशन ऑफ द फ्लेवर प्री रिसीव्ड इन द माउथ। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो भी आप चीज़ों को लेते हो, खाते हो या फिर टेस्ट करते हो, उनके पास उनका एक न्यू अपना फ्लेवर होता है जिसको आप रिसीव करते हो, और रिसीव्ड कहाँ तक करते हो, माउथ से स्टार्ट हो जाती है आपके डाइजेशन। ओके, अब डाइजेशन का टॉपिक अभी नहीं है, अभी हम लोगों को केवल टेस्ट करना है, केवल हम लोगों ने चीज़ों को लिया और टेस्ट करना स्टार्ट किया है। ओके, एंड थॉट ऑन कॉन्टैक्ट विथ सबस्टेंस, यानी कि माउथ एंड थॉट्स में आपको बताना है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो मुंह और गले की अगर हम बात करें, आपसे गले की यहाँ पे बात करें, तो इतने के बीच में हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, सबस्टेंस जो भी होंगे उनके सेंसेशन जो होते हैं हम लोग उसे टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, वो भी हमारे सेंस ऑर्गन। तो गाइज हम लोगों ने सुपर सेंसेस पढ़े हैं क्या, आप लोग बताना कॉमेंट करके कि ये आपको मैम ने पढ़ाया है क्या, सुपर सेंसेस पढ़ाए हैं क्या? अगर ये सुपर सेंसेस पढ़ाए हैं तो उसमें मैम ने आपको 5 सेंसेस भी बताए होंगे। चलो आ जाओ, आज के सेशन में हम लोगों ने देखना है कि मैम ने आपको अगर 5 सेंसेशन बताए होंगे तो बताना वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हमारा वी हैव हियरिंग ईयर, एंड सेकंड वी हैव साइट आइज, एंड थर्ड वी हैव स्मेल नोज, एंड वी हैव टच स्किन, वी हैव अ टच स्किन, एंड नेक्स्ट वी हैव अ स्मेल, यानी कि क्या हो जाएगा आपका टंग। ये आपके 5 सेंसेस हैं कि नहीं, ये आपके 5 सेंसेस हैं या नहीं, आप सभी को पता है। यस मैम, ह्यूमंस में ये क्या होते हैं, ये 5 सेंसेस होते हैं। तो ये 5 सेंसेस हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ये टेस्ट की बात हो रही है वो हमारा कौन ले रहा है, मुंह और गले, यानी कि माउथ्स एंड थ्रोट्स में हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। देखो आपके पास ये बच्चा है, ये बच्चा क्या खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, और ये कहाँ से खाना शुरू किया, इसने स्टार्ट किया कहाँ से, ये इसने स्टार्ट किया शक करना कहाँ से, वो भी टंग से। अब इसने जब स्टार्ट किया शक करना टंग से, अब आपको आगे मैं समझाती हूँ कि क्या है इसका। अब ये इसके टंग पे कई सारे होते हैं, आई होप कि मिलियन टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मिलियंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होती है, टेस्ट बर्ड्स सबसे ज़्यादा किस में होती है, फीमेल्स में होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके घरों में मम्मियाँ जब खाना बनाती हैं तो वो टेस्ट करती रहती हैं, है ना। अगर देखेंगे अरे यार इसमें तो ये है, इसमें तो वो, पापा को पता ही नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, वो तो खा गए बिना नमक के भी खाना खा गए, लेकिन मम्मी को पता चल जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि फीमेल्स में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं बच्चे, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और इसमें टेस्ट बर्ड बहुत ज़्यादा होने की वजह से आई थिंक 1000 से भी अबव होते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें सॉल्टी हैं, कौन सी चीज़ें बिटर हैं, कौन सी चीज़ें स्वीट्स हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट इन आवर
टंग्स, हमारे टंग्स में कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो हमें पता हो गया 4 टाइप्स के. कौन कौन से हैं 4 टाइप्स, आओ देखते हैं. एक को हम लोग कहते हैं बिटरनेस, एक को हम कहते हैं सॉल्टीनेस, एक को हम कहते हैं सौरनेस, एक को हम कहते हैं स्वीटनेस. अब ये क्या होता है, अगर सॉल्टी की बात करें तो जब आप नमकीन खाते हो, चिप्स खाते हो, है ना, कुरकुरे खाते हो, ये सब खाते हो, आपको खाना बहुत पसंद होगा, इसीलिए मैंने पहले ही सॉल्टी चीज़ों को उठाया, तो आपको ये सॉल्टी लगती होगी. ओके, फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जब स्वीट, यानी कि जब आप पेस्ट्रीज खाते हो या फिर स्वीट्स खाते हो, तो वो सब, यानी कि अगर हम पेस्ट्री की बात कर रहे थे, स्वीट्स की बात कर रहे थे, तो ये कौन सा टेस्ट देता है आपको, ये स्वीट्स प्रोवाइड करता है स्वीटनेस. एंड नेक्स्ट शौरो की बात करते हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप कोई खट्टा चीज़ खा लो, है ना, लाइक ऑरेंज का जूस अगर आप पीते हो, या फिर अगर मैं आपसे बोलूँ आंवला आप खाते हो, तो इसमें कौन सा टेस्ट आता है, शौरो की टेस्ट आता है, यानी कि खट्टेपन का टेस्ट आता है. एंड नेक्स्ट बीटर, अभी बीटर को बताएं आपको क्या, सभी को पता है, तो करेला खाना किसको किसको पसंद है, थम्सअप करके बताएगा, यस मैम मुझे करेला पसंद है. आई होप कि किसी भी चाइल्ड को करेला तो नहीं पसंद होगा, क्योंकि अच्छी चीजें आपको पसंद कहाँ आती हैं, है ना, चलो अच्छी बात है. हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुझे मैम की क्लास अच्छी होती है, मुझे पसंद आती है, यानी कि बिटर टेस्ट है, ये मतलब समझना. चलो बहुत बढ़िया, यानी कि हमने बिटरनेस को देखना है, यहाँ पे सॉल्टीनेस को देखना है, शोरनेस को देखना है, एंड स्वीटनेस को देखना है. चलो आ जाओ, अब ये जगह कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले हम टेस्ट की बात करेंगे जो हमारे पास आ चुका है, बिटर टेस्ट. बिटर टेस्ट कहाँ पे होता है और इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है, हमारे टंग में इनका पोजीशन भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास ये देखो ये कुछ पोजीशन है, वेट आपको मैं फाइंड आउट करती हूँ, हमारे पास कुछ ये पोजीशन आएंगे, एक मिनट, चलो कुछ ये पोजीशन आ रहे हैं, आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा होगा, कुछ ये पोजीशन आएंगे, यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैक साइड है, यहाँ पे आपके फ्रंट साइड है, यहाँ पे आपको आउट साइड देखने को यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको आउट साइड देखने को मिल रहा है, तो कुछ इस तरीके का हमारा टेस्ट बर्ड होता है. अब कहाँ पे मुझे कौन सी चीज़ें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पता चलती है, यहाँ पे देखना, बिटर टेस्ट की बात करेंगे, जैसे करेले की बात करते हैं हम ना, करेले की बात करेंगे, या फिर आपने बात किसकी करनी है, करेले की, तो करेले में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, वेट, चलो करेले के लिए देखेंगे, बिटर टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ टंग, कहाँ पे, बैक साइड ऑफ टंग, यानी कि यहाँ पे आपको कौन सा टेस्ट पता चलेगा, तो बिटरनेस पता चलेगा, बिटरनेस ये आपको पता चलेगा. नेक्स्ट यहाँ से देखना है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, दे आइडेंटिफाई द बिटर टेस्ट ऑफ अ फूड, करेला बिटर ग्राउंड, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो नीम भी आपका, या फिर आप मेडिसिन को बता सकते हो, जब भी आप मेडिसिन खाते हो तो आप कहते हो ना, छी मुझे क्या हो रही है, मुझे तो वोमिटिंग आ रही है ना, मेडिसिन, ये क्या होता है, तो आपने बोलते हैं ना कि अरे यार मुझे तो उल्टी आ रही है, मुझे तो पलटी हो जाएगी, है ना, आप कहते हो वोमिटिंग होती है आपको, तो ये आपका कौन सा टेस्ट होता है, ये आपका बिटर टेस्ट होता है. तो यहाँ से याद रखना, ये पीछे के बैक साइड में कौन सा टेस्ट होता है आपकी टंग में, आपका होता है बिटर टेस्ट. एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से शॉर्टेस्ट क्या होता है, शॉर्टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द बैक साइड इंड्स ऑफ अ टंग, बैक साइड इंड, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कौन सा है, शॉर्टनेस को बताता है, यानी कि शॉर्टेस्ट करता है, जब भी आप कोई चीज़ें खट्टी चीज़ें खाते हो, खट्टी चीज़ें यानी कि लाइक मौसमी, इसके जूस पीते हो, तो आपको खट्टा कुछपन लगता है, और खट्टेपन का दिस टेस्ट बर्ड्स आइडेंटिटी द शॉर्टेस्ट ऑफ द फूड लाइक अ लेमन, वाओ वेरी गुड एग्जाम्पल्स, लाइक अ लेमन, ऑरेंज, ये सब क्या होता है, ये सब आपको शॉर्टनेस को बताता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें खट्टी लगती हैं, तो हम कैसे पता करते हैं, टंग टेस्ट से. और ये कहाँ पे होता है, तो ये आपको साइड इसकी पता चलती है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम्स में आ सकता है, बैक साइड इंड्स ओके ऑफ द टंग. चलो नेक्स्ट टेस्ट को देखते हैं, सॉल्टी टेस्ट कहाँ लगता है भाई, आ गया आपके चिप्स की बातें, ये देखो चिप्स की बातें आ गई, सॉस की बातें आ गई, तो सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट टू द साइड्स ऑफ अ फ्रंट टंग,
फ्रंट टंग के पास ही, यानी कि यहाँ पे ही फ्रंट टंग के पास ही ये कैसी फील होती है आपको, शॉल्टी फील होती है। तो आपने कभी कभी चीज़ों को देखा होगा, जैसे कि साइंस पढ़ते हैं ना बच्चे, तो उसमें हम लोग बाई प्रैक्टिकली पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक बिना अगर आप साइंस पढ़ते हो तो बेकार हो। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कभी अगर चिप्स खा रहे होते हैं तो देखो हमें आगे ऐसे करते हैं ना, क्या टेस्ट है ऐसे करते हैं ना, तो वो क्या है, यानी कि आपके आपके टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं साइड्स में होते हैं, और कहाँ के साइड में, फ्रंट टंग, टंग जो होता है उसके पास में ही जो साइड होते हैं वहीं पे आपको टेस्ट पता चलता है, सॉल्टी टेस्ट का, ठीक है। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई द सॉल्टी टेस्ट ऑफ फूड, कोई भी फूड कितनी सॉल्टी होती है वो आप आइडेंटिफाई किससे कर सकते हो, अपने टेस्ट बर्ड्स से, जैसे कि चिप्स, सॉस एटसेट्रा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने, अच्छा हम लोगों ने यहाँ तक किसको किसको देखा था, हमारे पास एक और टेस्ट बच गया जो स्वीटनेस को बताता है। आओ हम लोग लिख के इसको देख लेते हैं। स्वीटनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आगे वाले फ्रंट टंग होते हैं वो हमारे किसको बताते हैं, तो मीठेपन को बताते हैं, यानी कि कितना फूड कोई भी मीठी कितनी है, यानी कि आपकी बातें कितनी मीठी होती हैं, यानी कि जब आप चॉकलेट खाते हो, आपने फर्स्ट फिगर में देखा होगा, ये देखो बच्चा, ये देखो यहाँ पे आपको क्लियर कर हो जाएगा। ये फर्स्ट फिगर में आपने देखा होगा, जैसे ही ये लड़का यहाँ से स्टार्ट करता है आइसक्रीम को शक करना, ये लड़के को जो पहला टेस्ट मिलेगा वो टेस्ट बर्ड से कौन सा टेस्ट मिलेगा, स्वीटनेस का टेस्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने फोर टाइप्स के टेस्टेस को देख लिया है कि कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इनके यूजेस कहाँ होते हैं, इनकी जगह कहाँ होती है, इनकी साइट कहाँ होती है। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल गया, यस मैम हम लोगों ने जो सुपर सेंसेस पढ़ रखे हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यही सुपर सेंसेस, हमारे फाइव टाइप के सुपर सेंसेस ही हमारे सेंस ऑर्गन को इन्फॉर्म करते हैं, तब हमें जाके पता चलता है अरे वो ये तो सॉल्टी है, ये तो बिटर टेस्ट है। ओके चलो आ जाओ अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से। अब हम लोगों ने टेस्ट कर लिया फूड को, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अपना टॉपिक आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेशन कैसे होता है जब हम स्टार्ट करते हैं फूड को खाना, यानी कि जब हमने बड़ा बड़ा कोई भी कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को आप लेते हो, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस जब आपने लिया, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस विजिबल है ना गाइज, आप सभी को विजिबिलिटी ओके होगी, थम्स अप करते रहना, ठीक है। अगर आप सभी लेते हो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस, आपने रोटी खाई, आपने चपाती लिया, आपने चावल लिया, अगर ये सारी चीज़ें आप लेते हो तो आपने एक बड़े फूड को लिया, यानी कि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को आपने लिया, और जो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को लिया वैसे ही तोड़ फोड़ आपके जो माउथ है उसमें तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाती है, और तोड़ फोड़ जैसे कि आप दांतों से च्युइंग करना स्टार्ट करते हैं, और ये जो आपका फूड था कॉम्प्लेक्स वो छोटे छोटे पीसेस में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ओके, एक छोटे छोटे पीसेस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ये किस तरीके से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं वो सारे प्रोसेस को हम लोग, अभी ये हमारा पार्ट वन वीडियो चलेगा, टेस्ट एंड डाइजेशन से पार्ट टू वीडियो भी आपके लिए जल्दी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे लिए क्या है, यहाँ पे ये माउथ है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है, फिर ईसोफेगस है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, रेक्टम है, अपेंडिक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, ठीक है। अब इसे हमें नंबरिंग करनी होगी कि कौन सी नंबरिंग में सबसे पहले फूड जाएगा, तो पहले हमारे माउथ में जाएगा फूड, फिर आपके दूसरे नंबर पे आएगा ईसोफेगस पे आएगा, फिर हमारे तीसरे नंबर पे कहाँ जाएगा जी, यहाँ से आपके होते हुए पहले, फिर तीसरे नंबर पे जाता आपके स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद ये क्या करेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के बाद ये पांचवा नंबर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका छठवां नंबर रेक्टम, फिर आपका एनस हो जाएगा। यानी कि हमारी जो डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है वो कहां से स्टार्ट हुआ, माउथ टू एनस। आपने कहां से स्टार्ट किया था, माउथ से स्टार्ट किया था किसी भी कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को, लेकिन हम लोग कहां तक ले गए, माउथ टू एनस तक लेके गए, और एनस तक जाने के बाद आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस एक बात बताना, हम लोग स्टार्टिंग को तो माउथ देख लिए, हम लोग एनस तक आ गए, तो इन सब का यूजेस क्या है,
तो वन बाय वन करके हम लोग पार्ट वन की वीडियो ये चला रहे हैं, वन बाय वन करके हम लोग सारी चीज़ों को बहुत ही एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ताकि हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ यहाँ पर डाइजेशन को स्टार्ट करना, अपने हेडिंग डाल लिए होगे, आज की हेडिंग आपके लिए होगी जैसा कि सभी को पता है टेस्ट एंड डाइजेशन आज की आप सभी की हेडिंग होगी। अब उसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे, द कॉम्प्लेक्स फूड ऑफ सबस्टेंस आर कन्वर्ट इनटू सिंपलर एब्जॉर्बल फ्रॉम द सिस्टम विच ऑफ द इन्वॉल्व्स डाइजेशन कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिफाइन करेंगे आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं उसे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस रोटी चपाती आलू या फिर कुछ भी आप बड़े चीज़ों को लेते हो, वो कन्वर्ट करता है आपके सिंपलर फॉर्म में। तो सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है, तो धीरे धीरे माउथ के बाद कौन कौन से प्रोसेस हो गए उसको हम वन बाई वन करके देखेंगे। ओके, तो लास्ट में आपको यहाँ से डाइजेशन के प्रोसेस जो होंगे उसे हम लोग समझेंगे। इंजेशन ऑफ फूड, जब फूड हमारे अंदर जाएगा, यानी कि जैसे ये फूड गया माउथ में, ये माउथ में क्या होगा, माउथ में होगी आपकी बक्कल कैविटी के अंदर हम लोगों ने टीथ को पढ़ना है, टंग को अभी टेस्ट टंग पढ़ा अपने, टीथ को पढ़ेंगे, है ना, इसमें जो एंजाइम बनेंगे उसको पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, फिर इंजेशन ऑफ वांटेड फूड्स, तो इसके बारे में हमें ये चारों प्रोसेस, जो फोर टाइप के प्रोसेस हैं, इनको कंप्लीट पढ़ना है, वन बाई वन करके पढ़ेंगे। ये पार्ट वन वीडियो है, आई होप कि आपको पार्ट वन अच्छी तरीके से टेस्ट बर्ड भी समझ में आया होगा और डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है वो भी समझ में आया होगा। तो साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, तो आप सभी लोगों को समझ में आया तो थम्सअप करना, आगे की वीडियो का आप वेट करना थोड़ा सा। थैंक यू सो मच गाइस।